क्या आपने आज से 10 साल पहले सोचा था कि यूट्यूबिंग, गेमिंग, एनएफटी ट्रेडिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन हो सकता है? क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई थी 1990s में, लेकिन आज भी लोग क्लाउड पर एक फाइल भी अपलोड नहीं कर पाते। ये फाइल अपलोड क्यों नहीं हो रही? शायद इसीलिए वर्ल्ड के 1% लोग 90% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। ये कौन सी मीटिंग है जिसमें हमें नहीं बुलाते? यार, इन सब लोगों को एक फैक्ट पता है, चेंज इज दी ओनली कॉन्स्टेंट। ये हमेशा लर्निंग मोड ऑन रखते हैं और आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। बिटकॉइन 2009 में आ गया था, तुझे कब पता चला? 2017 में। एग्जैक्टली। हमारे करियर को सबसे बड़ा खतरा है स्टैग्नेशन से। अगर आपने सोचा कि हमारी जॉब तो सेट है, इसका मतलब ग्रोथ खत्म। हो सकता है 10 साल बाद आपकी जॉब एक मशीन करने लगे। इसलिए अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। वो आप कर सकते हो बिना जॉब छोड़े अपग्रेड के थ्रू। यहाँ आपको मिलती है IIT, IIM, Caltech जैसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स प्रोग्राम। इनका सबसे फेमस प्रोग्राम है मास्टर्स इन डेटा साइंस, जिसको करने के बाद स्टूडेंट्स को मिलती है इस ग्रोइंग फील्ड में जॉब, वो भी विद एवरेज 50% सैलरी हाइक। चेकआउट लिंक इन पिन्ड कमेंट।